मणि चलो चलो पुष्प 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 डालो। अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे, शीघ्र कार्य करो। और ये मुरझाए हुए पुष्प क्यों है, जाओ खिले हुए पुष्प लेकर आओ। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं जो आज इन सब के साथ साथ महाराज कृष्णदेव राय के दर्शन करूंगा। क्षमा करे गुरुवर, क्षमा करे, त्रुटि हो गई, मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। जाओ कार्य करो, कार्य करो, जाओ, कोई बात नहीं। देख कर चला करो ना, इतना कार्य है। आंखें खोल के देखी तो सही। गुरुवर क्षमा करें, फिर से त्रुटि हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। अरे शीघ्र करो, महाराज आने वाले हैं। अरे जाओ ना। लड्डू गुरुवर महाराज के लिए है। अरे हाँ, हम तो भूल गए। हाँ, रखे, रखे। महाराज के लिए, चल, चल, महाराज के लिए। हाँ, अरे हम क्या करें। अरे वो पुष्पों की लड़ियां गिर जाएंगी, संभाल के। अरे धनी मनी शीघ्र करो, शीघ्र करो। दुर्भाग्य की आंधी में बड़े बड़े राजपाट समाप्त हो जाते। जिस आंधी का भय था वही आ रही है। आप भयभीत मत होइए, अब इस आंधी के समाप्त होने का समय आ गया है। आप निश्चिंत रहिए, वो जीवित आएंगे अवश्य ही, परंतु जीवित बचेंगे नहीं। गुरुवर आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं? अरे कष्ट कैसा पंडित रामाकृष्णा, ये तो सौभाग्य की बात है, हमारे महाराज जो आ रहे हैं। सब तो ठीक है, किंतु वृद्धावस्था में कमर लचक गई ना तुम। क्या तात्पर्य है आपका, वृद्ध होंगे आप? मैं? मेरी चोटी देखिए और अपनी देखिए। क्षमा करे गुरुवर, मैं तो परिहास कर रहा था। चलिए मैं सहायता करता हूँ, वहां से उठाइए। चलिए राजाओं के महाराज चक्रवर्ती महाराज कृष्णदेव राय की पालकी पधार रही है। आ गए, आ गए गुरुवर, महाराज आ गए। अरे महाराज आ रहे हैं, शीघ्र करो, हमारे महाराज आ रहे हैं, शीघ्र करो, शीघ्र करो, चलो उठाइए गुरुवर, उठाइए, उठाइए।
महाराज को मार डाला। हे भगवान, महाराज पालकी खाली है। पालकी खाली है। पालकी खाली है। कार्ते महाराज सुरक्षित है, पालकी खाली है। महाराज कहाँ है? एक और चिट्ठी। चिट्ठी चिट्ठी आप सबका प्रेम और स्नेह मन को भा गया। आप सबको यूं लगा कि जैसे मैं आ गया। ज्ञात है मुझको सबने की है बहुत मेरी प्रतीक्षा। आऊंगा अवश्य, किंतु शेष अभी है और प्रतीक्षा। इतने आसानी से मैं आ जाऊं तो भला कैसा उल्लास। बस समझ लो मैं यही हूं आप सबके आसपास। यदि सको पहचान तो मुझे पहचान लो। सामने आओ मेरे और मेरा नाम लो। अंधकार समाप्त हुआ, किरणें लगी हैं जागने। कुछ नहीं छिप सकता यदि सूरज हो बिल्कुल सामने। और कितनी परीक्षा लेंगे महाराज? कब आएंगे आप? पंडित रामकृष्ण, क्या महाराज नहीं आएंगे? नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहो। उन्हें आना होगा, आना होगा महाराज को। महाराज नहीं आएंगे गुरुवर, सुना आपने? महाराज नहीं आएंगे। ढोल बजाओ। मैंने कहा ना ढोल बजाओ। अरे पंडित रामा कृष्णा, अरे विक्षिप्त हो गए आप। जब महाराज आ ही नहीं तो ढोल नगाड़े क्यों बजेंगे? ढोल तो बजेगा गुरुवर। बताइए आप, ढोल तो बजेगा। रे रे
अरे ये क्या कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? अरे रुकिए रुकिए, महाराज नहीं आएंगे। महाराज नहीं आएंगे क्योंकि आता वो है जो पहले से ही उपस्थित ना हो। अरे महाराज, श्री कृष्ण देव राय तो वो दिया है जो अपनी रोशनी से विजयनगर में कभी अंधकार होने नहीं दे सकते। उनकी दृष्टि सदैव हम सब पर है। सुना अपने गुरुवर, महाराज नहीं आएंगे क्योंकि महाराज आ चुके हैं। स्वागत करो अपने महाराज का क्योंकि महाराज आ चुके हैं और इस समय इसी राज दरबार में है। समाप्त हुआ, किरणें लगी हैं जागने, कुछ नहीं छिप सकता यदि सूरज हो बिल्कुल सामने। रोके इन अश्रुधा राव को महाराज, 20 वर्षों से इन नेत्रों ने इन अश्रुओं को संजो कर रखे है। आज ही नहीं रुकेंगे, आज आपको देखने के पश्चात ही नहीं रुकेंगे महाराज। पंडित रामाकृष्ण, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है आपको? विक्षिप्त हो गए हैं पंडित रामाकृष्ण, वास्तव में विक्षिप्त हो गए हैं। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। एक पहलवान को महाराज कह रहे हैं आप? हाँ गुरुवर, ये हमारे महाराज हैं। ध्यान से देखिए, महाराज हैं। चुप रहिए आप,
हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय के नेत्र, उनके नेत्रों का तेज, और इसके नेत्र देखो। हे भगवान, अद्भुत पंडित रामाकृष्णा, हमें पूरा विश्वास था कि आप हमें अवश्य पहचान लेंगे। गुरुवर ने भी देर से ही सही, पर पहचान तो लिया। इस क्षण की हम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। आज हम हमारे विजयनगर लौट आए। आज हमारे मित्र हमारे सामने हैं। परंतु क्या महारानी हमें हमारी राजगद्दी लौटाएंगी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.